बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सस्ती और बहुत हेल्दी सी प्याज के साथ रेसिपी बनाऊंगी। तो आज हम प्याज के कबाब बनाएंगे या प्याज की टिक्की बनाएंगे। प्याज जो होता है वो हमें बहुत से वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है और हर रोज़ ही इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और उन्हें यूँ ऐसे लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। अब हम हाथों से इसे ऐसे ऐसे मसल लेंगे ताकि ये जो इसके रिंग्स हैं वो सब खुल जाएँ। प्याज में पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो जितना भी पानी है वो प्याज रिलीज़ कर दे। उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले इसमें सॉल्ट डालूँगी, नमक डालूँगी। मेरे पास 1 टीस्पून नमक है। नमक डालने के साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस भी डाल दूँगी। यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। प्याज जो होता है वो हल्का हल्का मीठा होता है तो इसकी मिठास को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें चिल्ली पाउडर डाला है। अब यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, थोड़ी सी मेरे पास हल्दी है अच्छे कलर के लिए, 2 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है जो कि हमारे प्याज के कबाबों को चटपटा सा बनाएगा। अब यहाँ मेरे पास अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये देखिए मैंने 4 हरी मिर्चें ली और थोड़ा सा अदरक लिया और इसको यहाँ पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब ये भी हम डालेंगे। अदरक से और हरी मिर्चों के पेस्ट से हमारे कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब हम सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ और देखेंगे कि प्याज ने कितना पानी रिलीज़ किया है। फिर उस हिसाब से हम इसमें बाइंडिंग एजेंट डालेंगे। उसमें हम चावल का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप डाल लें, आप दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया डालूँगी अच्छी लुक के लिए। अब मैं इसमें यहाँ 1 कप चावल का आटा डालूँगी, पहले मैं थोड़ा डालूँगी, साथ ही मैं इसमें यहाँ 2 टेबल स्पून बेसन डालूँगी। बेसन और चावल का आटा जो होगा हमारी टिक्कियों को अच्छे से बनने में जुड़ने में हेल्प करेगा। डालने के साथ ही हम अच्छे से इसको हाथों से मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून बेसन और 1 कप चावल का आटा लिया था जिसमें से इतना यूज़ हुआ है, ये देखिए बाकी अभी बचा पड़ा है। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। हमने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो प्याज है उसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा, उसी में हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसका कबाब बना के ट्राई करती हूँ, अगर ये जुड़ गया तो सही, अगर ना हुआ तो हम थोड़ा सा चावल का आटा और इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपके सामने ही बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। देखिए बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहा है, इसका मतलब है हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐसे ही कबाब बना के तो इन्हें फ्राई करते हैं। हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें कबाब डालती हूँ। इसको बना के आपको रखना नहीं है, फौरी तौर पर बनाना है। ऐसे ही बनाए जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। अगर हम इसे रख देंगे ये तो ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, हमारे प्याज के कबाब। ये देखिए कितना प्यारा ये बने, प्याज देखें कैसे लच्छों में नज़र आ रहा है। जितने में ये दिखने में अच्छे हैं ना, उतने ही ये इंशाल्लाह खाने में भी टेस्टी होंगे। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। ऐसी ही सिंपल और इजी सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तैयार हो गए हमारे प्याज के कबाब, अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेते हैं। बहुत मज़े के, बहुत सस्ती सी, बहुत हेल्दी और बहुत मज़े की रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हमारी क्रिस्पी सी प्याज की टिक्की या फिर प्याज का कबाब। बहुत मज़े की बनती है, घर में मौजूद चीज़ों से बन जाती है, बहुत हेल्दी है। आप इसकी लुक चेक करें ज़रा, ये देखिए प्याज के लच्छे देखें। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बाइंडिंग यूज़ नहीं की, मतलब बहुत ज़्यादा चावल का आटा और बेसन नहीं इस्तेमाल किया। अगर हम बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कबाब तो नहीं बनेंगे, फिर ये तो पकौड़े बन जाएंगे। अब इसे देखें, देखिए आप इसे धनिए की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे रमज़ान में बनाइए या फिर वैसे भी दोपहर में बना के तो रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है, चटनी के साथ, रोटी के साथ, बहुत मज़े की लगेगी। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ।
बहुत मज़े की है, प्याज का क्रंच और जो हमने इसमें राइस फ्लोर डाला है और जो स्पाइसेस डाले हैं उनकी वजह से बहुत मज़े की लग रही है, बहुत बैलेंस मसाले हैं। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।